guys. So today I'm shooting my first vlog, but right now I cannot shoot it from my front camera because मेरे बगल में एक अंकल बैठे हैं और वो कॉन्स्टेंटली मेरी फोन की स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लड़की इतनी सुबह सुबह क्या रिकॉर्ड कर रही है, वो भी ऑटो रिक्शा से. सो एनीवेज, मुझे अभी मेरी 5:50 की एक ट्रेन है वो पकड़नी है और आई एम रनिंग सुपर लेट, पर ठीक है फटाफट चल के हम मैनेज कर लेंगे. तो दिस इज अंडरग्राउंड और अब भागना है फटाफट फटाफट कि ट्रेन के आने का टाइम हो चुका है. अरे चलो फटाफट. देखा ट्रेन आ रही है, सो आई हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग क्योंकि ट्रेन में चढ़ते वक्त हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमें ट्रेन में फट से चढ़ के विंडो से. यस, मिल गई विंडो से. आई विल टेल यू कि हम क्यों इतना विंडो सीट के लिए डेस्परेट होते हैं. यस, ये सीन, जस्ट फॉर दिस सीन. सो बस मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन आ गया है और यहाँ भी हम आराम से नहीं चल सकते, फटाफट जाना है क्योंकि अब यहाँ से हमें बस लेनी है. ये मैं पर्टिकुलरली शूट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा जो पुराना ऑफिस था ना वो आएगा. तो बस से अब उतर चुके हैं और यहाँ से थोड़ी दूर चल के ऑफिस आता है. सो बेसिकली जो ये एरिया है जहाँ हमारा ऑफिस है वो एरिया है स्लीप्स एरिया, दैट इज सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. सो ये मुंबई का SEZ एरिया, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे टैक्सेशन रूल्स बहुत इजी होते हैं, इन्हें अलग ही टैक्सेशन लॉ, टैक्स कंसेशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं. जस्ट टू प्रमोट FDI, जस्ट टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है और अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टर्स को, आपका एक्सपोर्ट कंट्री का बढ़ना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिकली सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं जिनका सड़क पूरा एक्सपोर्ट होता है. सो प्रमोट करना हमारा ट्रेड वगैरह, सो इसीलिए दिस इज कॉल्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक. तो ये है सीट्स और बहुत सारे गेट हैं इनके. सो एक ये गेट है, बट यहाँ बहुत हाई सिक्योरिटी होती है तो मैं अंदर आपके लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती है तो हाई सिक्योरिटी होती है, आपको बैक चेक कराना पड़ता है, विदाउट आईडी आप एंटर नहीं कर सकते. तो यहाँ सिर्फ जिनके ऑफिस हैं वही एंटर कर सकते हैं. तो मेरा ऑफिस आ चुका है एंड इट इज़ फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. ये है हमारी ऑफिस, गेट के सबसे पास में ही है. यहाँ मैं बिल्डिंग के अंदर भी ज़्यादा शूट नहीं कर सकती क्योंकि अगेन इट इज़ अ ज्वेलरी कंपनी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती है और हम चीज़ें नहीं दिखा सकते. तो बस आप लोगों को बस शांति से देखना है, जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकती हूँ उतना. फोर्थ फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट बैठता है और पूरे बिल्डिंग में बहुत अलग अलग फ्लोर्स पे सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज.
सो लाइफ इज गुड। और अब काम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आते ही अपने कंप्यूटर में चेक करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आया है, क्या न्यू सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री की तरफ से, आरओसी की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं आरबीआई की वेबसाइट और सभी की वेबसाइट, कुछ ऐसी रेगुलेटरी वेबसाइट्स होती हैं वो चेक करती हूँ कि वहाँ कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट या सर्कुलर आया है कि नहीं आया है, और उन्हें नोट डाउन करती हूँ। कुछ अगर हमारे से रिलेटेड है, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो उन्हें रीड करना, उन्हें डाउनलोड करना। तो स्टार्टिंग का 1 आवर यूजुअली इसमें ही जाता है, तो चेक कि कहीं कुछ अमेंडमेंट आया है कि नहीं। So now I cannot talk more. I have to work. So मैंने कैमरा एक जगह पर रख दिया है and I'll focus on my work, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो आज के दिन ख़त्म करने हैं। So you guys can just keep watching me while I work, और मैं यहाँ नीचे बताती रहूँगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। दिस वॉज द एरिया आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि जहाँ हम अपना हमारा ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं कैंटीन में न जाके। और ये जो पेपर्स है, ये बेसिकली रफ पेपर है जो हम लंच के टाइम पे यूज करते हैं, सो दैट नीचे टेबल खराब ना हो। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। गाइस, तुम लोग मेरे YouTube चैनल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हमारा कर दिया इतनी का। हाँ, मेरे दोस्त कुछ आप लोगों से बोलना चाहते हैं। BS करना है तो मैडम का चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लेक्चर मिस आउट करो और बता दियो ध्यान से सुनो। सो नाउ आई विल शो यू ब्यूटी ऑफ सीप्स। सीप्स बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार मेरी स्टोरीज में देखा होगा कि बहुत ग्रीनरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, सो वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो यहाँ आपको इंसान से ज़्यादा पेड़ दिखेंगे। तो ये जहाँ मैं आई हूँ, ये एक गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन है। इनफैक्ट एक ही कंपनी है जो ये कंपनी इस पूरे गार्डन का मेंटेनेंस करती है, इसका पूरा ब्यूटिफिकेशन मेंटेन करके रखना, पूरा कॉस्ट इनकर वही करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ज्वेलरी कंपनी। सो यू कैन सी दिस, इतना सुंदर है, मतलब बस मुझे तो काम करने से ज्यादा सीप्स का सिर्फ ये एरिया पसंद आता है।
ओके सो वी आर रिटर्निंग बैक टू द ऑफिस. बहुत तप लिए हम धूप में. Back to work. Now I am checking one director's report. ये देखो ये पहले से ही रेडी.